Hi everyone, welcome back to my channel. So today we'll be discussing about the capital. तो हमने previous video में discuss किया था कि interest on capital कैसे निकालते हैं, right? तो हमें ये पता होना चाहिए कि capital भी हमारी company में या business में दो types की होती हैं. First type is the fixed capital and the other one is fluctuating capital. नहीं आया समझ? We'll again go through it. I am saying कि किसी भी बिजनेस में किसी भी कंपनी में दो तरीके की कैपिटल होती है. कैपिटल क्या होता है? द अमाउंट दैट इज इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स. ठीक है, तो अब दो तरीके की कैपिटल होती है, इसे क्या मतलब है फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. अब फिक्स कैपिटल कहता है द अमाउंट रिक्वायर्ड एट एवरी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. द कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स कैपिटल इज यूज्ड, दैट मीन्स हर पार्टनर को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा बिजनेस में, उस कैपिटल को हम क्या कहते हैं? फिक्स कैपिटल कहते हैं. ठीक है, ऑन द अदर हैंड द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सेज दैट नो रिस्ट्रिक्शन इज देयर ऑन द अमाउंट टू बी विड्रॉन और इंट्रोड्यूस. दैट मीन्स पार्टनर्स के ऊपर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितनी कैपिटल, कितने अमाउंट पे, कितना पीरियड ऑफ टाइम या कितने स्पैन बाद इंट्रोड्यूस करनी है, ऐसा कुछ नहीं मेंशन होता. सो दैट इज व्हाई वी डिस्टिंग्विश द कैपिटल. कैपिटल मतलब कि जो अमाउंट पार्टनर्स ला रहे हैं बिजनेस में फॉर द रनिंग ऑफ बिजनेस इज कैटेगराइज्ड इनटू टू. द फर्स्ट वन इज फिक्स्ड कैपिटल, द अदर वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. अब फिक्स्ड कैपिटल मतलब कि एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, हर थोड़े थोड़े टाइम पीरियड बाद जो पार्टनर्स हैं उन्हें कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी होगी बिजनेस में, कितने अमाउंट पे, दैट इज ऑल्सो टू बी स्पेसिफाइड. एंड ऑन द अदर हैंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कौन सी हुई? जहां पे कोई भी एज सच अमाउंट या टाइम स्पैन मेंशन नहीं है पार्टनर्स को, कितने इतने टाइम बाद भाई कैपिटल जो है वो तुम्हें इन्वेस्ट करनी करनी है, ऐसा कुछ नहीं है. सो दैट इज वाई देयर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल. नाउ इफ यू हैव सीन दैट कि भाई कैपिटल दो तरीके के, तो अगर फिक्स कैपिटल की मैंने बात की है तो फिक्स कैपिटल में दो अकाउंट्स भी तो अलग खुलेंगे. दैट मीन्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, टू डिफरेंट अकाउंट्स हैव टू बी ओपन्ड इन केस द पार्टनर्स हैव फिक्स्ड कैपिटल. ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड इफ द पार्टनर्स हैव फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ओनली वन अकाउंट इज सपोज टू बी प्रिपेयर्ड, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. आई होप आई मेड मायसेल्फ क्लियर. तो यहाँ पे यही चीज लिखी है ना कि अगर फिक्स कैपिटल है, फिक्स कैपिटल का मतलब तुम्हें पता है, तो अगर डिफरेंट यू नो अगर एक मतलब पर्टिकुलर टाइम बाद अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या इतनी इतना अमाउंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है पार्टनर के अकाउंट भी दो डिफरेंट खुले जाएंगे, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट. लेकिन फ्लक्चुएटिंग में ऐसा कुछ नहीं है, ओनली वन अकाउंट, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग कि पार्टनर्स करंट, पार्टनर्स कैपिटल अंडर फिक्स कैपिटल में क्या क्या चीजें जाती हैं, क्यों ये डिफरेंट है. एंड ऑन द अदर हैंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है और उसका परफॉर्मा मतलब कि क्या क्या चीजें मेंशन की जाती हैं. सो नाउ लेट्स लुक दैट. सो हियर इज द फॉर्मेट. सो फिक्स कैपिटल के अंदर मैंने क्या बताया था, दो टाइप्स ऑफ कैपिटल, दो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स अकाउंट होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट. देखो अब बात यह आती है कि नाउ आई नीड टू एक्सप्लेन कि क्यों फिक्स कैपिटल में हम दो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं एंड इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हम एक ही अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. इसकी पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट, उसका मतलब है कि हमें अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बेसिकली चेंज नहीं करना. जो ओपनिंग कैपिटल है दैट विल रिमेन सेम, विद द चेंज इन द कैपिटल हमें अपना अकाउंट में वी नीड टू शो द अकाउंट ऑफ द कैपिटल अकाउंट टू बी द सेम, वो हमें चेंज नहीं करना है. लेकिन वट एवर वी लाइक इंटरेस्ट इन कैपिटल, इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग्स, जो सैलरी हम पार्टनर्स को पे कर रहे हैं, कमीशन जो पे कर रहे हैं, अगर हम वही ये सारी चीजें हम अपने कैपिटल अकाउंट में से ही देने लग जाएं, तो हमारा कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर ऑब्वियसली विल चेंज. कैपिटल में ये चीज होती है कि बिजनेस वॉन्ट्स कि जो उसका कैपिटल है, जो ओपनिंग कैपिटल है, दैट शुड रिमेन सेम थ्रू आउट अंटिल अनलेस कोई एडिशनल कैपिटल नहीं आती. देखो मैंने बताया एडिशनल कैपिटल होनी जरूरी होती है फिक्स कैपिटल में, तो एडिशनल कैपिटल हो ठीक है, वो सारी चीजें हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो होंगी. लेकिन जो भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, ये सारी चीज पे करते हैं, दैट हैज टू बी डन. ऑफकोर्स वो होगा, बट वो पार्टनर्स के ओपनिंग कैपिटल से मत छेड़ा जाए, वो हम अपने अलग अकाउंट दैट इज पार्टनर्स करंट अकाउंट में खोलेंगे और वहां से डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे. सो दैट एट द एंड ऑफ द ईयर जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, ओपनिंग कैपिटल, वो सेम रहे.
ये फंडा होता है फिक्स कैपिटल का कि ओपनिंग कैपिटल शुड रिमेन सेम. ऑलराइट, अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कहता है कि हमारी सारी भी डिस्ट्रीब्यूशन जितनी भी हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन की डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की, वो सारी ओपनिंग कैपिटल से ही होती जाए. तो दैट इज व्हाई वी प्रिपेयर अ सिंगल अकाउंट दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं पार्टनर्स फिक्स अकाउंट में दो डिफरेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग कैपिटल आएगी यहाँ पे, उसके बाद बाय बैंक. बाय बैंक यहाँ पे क्यों होगा, कोई भी एडिशनल कैपिटल, मतलब कि पार्टनर ए पर्टिकुलर टाइम स्पैन के बाद इतना पैसा जमा कर रहा है, तो वो सारी चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या क्रेडिट साइड में शो होगा. ठीक है, एंड टू ड्रॉइंग्स हैव टू बी शोन हियर, मतलब कि जो भी कैपिटल, देखो एक्चुअली क्या होती है ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है, पार्टनर्स आर टेकिंग विदड्रॉइंग सम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द कैपिटल और फ्रॉम द प्रॉफिट, मतलब बिजनेस में से पैसा उठाना ड्रॉइंग्स होते हैं. तो ड्रॉइंग्स एक्चुअली दो टाइप की होती हैं, एक होता है आउट ऑफ कैपिटल, एक होता है आउट ऑफ प्रॉफिट. ठीक है, तो आउट ऑफ कैपिटल जो की जाती है वो सारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो होती है, एंड द रेस्ट अमाउंट जो बचता है क्लोजिंग बैलेंस, तो वो हम यहाँ पे टू बैलेंस सीडी करके शो कर देते हैं. सो आई होप दिस इज क्लियर. ओके, अब पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया जाता है क्योंकि अब हमें इंटरेस्ट इन कैपिटल, इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग्स, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, ये सारी चीजें भी तो देनी है ना, तो वो सारी चीजें हम क्या करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में शो करते हैं. उसमें हम क्या करते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन शो करते हैं, देन बाय आईओसी, आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय पार्टनर सैलरी, बाय पार्टनर्स कमीशन, बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, ये सारा क्रेडिट साइड में देते हैं, एंड ऑन डेबिट साइड यू हैव टू राइट टू ड्रॉइंग्स इज अगेंस्ट प्रॉफिट. अगेंस्ट प्रॉफिट आता है, मैंने बताया दो टाइप की ड्रॉइंग्स होती है, यू कैन इवन राइट कि ड्रॉइंग्स आर ऑफ टू टाइप, फर्स्ट इज आउट ऑफ कैपिटल एंड द अदर वन इज आउट ऑफ प्रॉफिट. तो आउट ऑफ कैपिटल इज शोन इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड आउट ऑफ प्रॉफिट इज शोन अंडर पार्टनर्स करंट अकाउंट. ठीक है, देन टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन इन केस इट इज लॉस, एंड जो भी बैलेंस रह जाएगा दैट इज टू बैलेंस कैरी डाउन. ऑलराइट, सो आई होप आपको फिक्स कैपिटल समझ में आ गया. आपको कोई भी डाउट है यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई टेल यू द आंसर. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल की जगह इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, लेट्स सी द परफॉर्मर. राइट, नाउ वी हैव द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, उसमें एक ही अकाउंट प्रिपेयर करते हैं विच इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. लेट्स सी द फॉर्मेट. फॉर्मेट इज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन विच इज द ओपनिंग कैपिटल, देन बाय बैंक एडिशनल कैपिटल कुछ हुई तो बाय बैंक, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय पार्टनर्स सैलरी, बाय पार्टनर्स कमीशन, बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट. देखो पीएनएल अप्रोप्रिएशन आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन कब प्रिपेयर करते हैं. तो जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन का बैलेंस आता है ना, जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो यहाँ पे आता है. अगर प्रॉफिट होगा तो यहाँ आता है, लॉस होगा तो यहाँ आएगा. ये बेसिकली मैंने लिखा है यहाँ पे, बट अब नेक्स्ट वीडियो में इमीडिएटली आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो वहां पे वी विल गेट टू नो कि क्या होता है, फिर ऑटोमेटिकली ये चीज तो आपको बिल्कुल समझ में आती है, बट परफॉर्मा आपको पता होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे आया एंड टू बैंक ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल. जो भी ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होती है हम टू बैंक या कैश करके लिखते हैं. टू ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स मतलब ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, वट एवर विद ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट वो टू ड्रॉइंग्स लिखते हैं. एंड टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन यहाँ लिखेंगे, एंड टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन इन केस लॉस. देखो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में एक ही चीज आती है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. तो अगर प्रॉफिट होता है तो शो इट इन द क्रेडिट साइड, इफ इट इज लॉस देन शो इट ऑन द डेबिट साइड. एंड टू बैलेंस कैरी डाउन विच इज द क्लोजिंग बैलेंस. सो यू शुड बी नोइंग दिस, दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस एंड हियर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इज ओपनिंग बैलेंस. ठीक है, गॉट इट गाइस. एक बार चेक करो फिक्स्ड कैपिटल के अंदर, जब मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था तो मैंने डेबिट साइड में टू ड्रॉइंग्स लिखा था आउट ऑफ कैपिटल या टू बैंक लिखा था. अगर मैंने टू ड्रॉइंग्स लिखा है तो प्लीज उसको काट के टू बैंक करो. ये आपको पता होना चाहिए, इट्स वेरी सिंपल, मैं आपको क्लियर कर रही हूँ. अगर टू बैंक है, बैंक मतलब कि ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, तो जो भी चीज ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है तो टू बैंक आएगा, और अगर ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है तो टू ड्रॉइंग्स लिखोगे. तो आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर, अगर मैंने ऐसे गलती से फिक्स कैपिटल के अंदर ये चीज लिख दी है तो प्लीज काटो उसे और टू बैंक लिखो, जैसे यहाँ लिखा है. सो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल नीड्स टू बी टू बैंक एंड ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट नीड्स टू बी ड्रॉइंग्स. बस वहां पे फिक्स कैपिटल में क्या होता है, वी प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओनली एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट में वी डिस्ट्रीब्यूट ऑल दीज थिंग्स. राइट, बट यहाँ पे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही रखते हैं फ्लक्चुएटिंग, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू द रीजन कि हमें जो ओपनिंग कैपिटल है
कैपिटल जो इंट्रोड्यूस किया फॉर द फर्स्ट टाइम वही सेम कंटिन्यू रखनी है एट द एंड ऑफ द ईयर. तो इस वजह से हम कोई भी चेंज नहीं करते अनलेस एंड अंटिल वहां पे कोई एडिशनल कैपिटल या ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल ना हो. तो ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी टॉकिंग अबाउट पीएनएल एप्रोप्रिएशन. उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये दोनों प्रिपेयर करने होंगे साथ में अलोंग विद द जर्नल एंट्रीज. तो अभी नेक्स्ट स्टेप है हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन समझना. सो वी विल डू दैट इन द नेक्स्ट वीडियो. और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल बी ऑलवेज देयर टू आंसर यू, ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.